News 18, India. सरकार को बहुत त्यागत को चलना चाहती है, विपक्ष के आवाज को दबाना चाहती है। माननीय दिशा जी, मैं कहना चाहूंगा नहीं ठीक है, अगर बहुमत के आधार पर चलती है तो क्या आप लोकतंत्र के अंदर आप विपक्ष के आवाज को दबाने का काम करें? तो उत्तराखंड विधानसभा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हो हल्ला हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है, लेकिन ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। पुष्कर सिंह धामी मुस्कुराते हुए 2000 में उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आता है, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी 2022 में इतिहास रचते हैं, दूसरी बार सरकार बनाते हैं उत्तराखंड में, अब वो UCC का ड्राफ्ट पेश करेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर से भी मेरा दृष्टांत पेश किए गए हैं और देखने में आ रहा है कि नजरें बनती हैं और नजरों का जिक्र किया जाता है सदन में विभिन्न चर्चाओं में, विभिन्न विषयों पर उन नजरों का दृष्टांतों का जिक्र किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज सदन संख्या बल को हम जानते हैं, संख्या बल के आधार पर इस विधेयक को पारित नहीं किया जा रहा था। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, की UCC जो विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट है उस पर पटल पर रहने का कहीं जिक्र नहीं किया गया, उस मसौदे का कहीं पर भी उल्लेख इस एजेंडे में नहीं है, और जिससे कि हमारे माननीय विधायक मूल दोष के आधार पर उसमें भाग लेते चर्चा करते। शासन को इतने बड़े विषय पर, इतने बड़े मुद्दे पर विधेयक तैयार किया गया माननीय जी, इसकी रिपोर्ट पहले सदन में पेश की जानी चाहिए थी, ये बेहतर होता। और निश्चित रूप से माननीय जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, जिस पर कार्यमंत्रण समिति की बैठक में मैं इंगित नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अच्छे तरह सच्चाई को बयां कर रहा हूं आपके सामने कि जो हुआ। तो तस्वीरें आपको उत्तराखंड विधानसभा से लाइव इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, UCC बिल बस कुछ ही पलों में यहां पर उत्तराखंड की विधानसभा में के पटल पर रखा जाएगा, पुष्कर सिंह धामी इसे पेश करेंगे और अगर आज ये कानून की शक्ल लेता है तो आपको बता दें कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन जाएगा जहां पर UCC लागू होगा। UCC को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, कई लोग इसके विरोध में भी बोल रहे हैं, लेकिन इस बिल से जो कि अभी कानून की शक्ल लेने वाला है उससे महिलाओं को समान अधिकार मिलने जा रहा है और ये ऐतिहासिक क्षण है जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड विधानसभा से ये लाइव तस्वीर जहां कुछ ही देर में UCC बिल यानी समान नागरिक संहिता जो है बिल इसे पेश किया जाएगा, कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, बहुमत भी BJP के पास है, हालांकि कांग्रेस लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, आलोचना भी कर रही है और कहा यह जा रहा है कि जल्दबाजी में इसे पेश किया जा रहा है, लेकिन UCC से लड़कियों को और महिलाओं को लाभ मिलने जा रहा है, उन्हें
समान हक मिलने जा रहा है, समान अधिकार मिलने जा रहा है, और इसलिए उत्तराखंड के लिए आज का दिन काफी अहम है। विधानसभा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में इस बिल को पेश करेंगे, जिस पर मंजूरी कैबिनेट की मिल चुकी है और बहुमत भी जो है वो बीजेपी के पास है। और अगर आज चर्चा के बाद ये बिल कानून की शक्ल ले लेता है तो यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो यूसीसी से क्या लाभ होगा ये भी स्क्रीन पर हम एक तरफ आपको दिखा रहे हैं। यूसीसी के लागू होने के बाद कई ऐसी चीजें हैं जिसमें सुधार देखने को मिल सकता है। अडॉप्शन की जो प्रक्रिया होती है वो काफी जटिल है अभी, लेकिन यूसीसी के आ जाने से अडॉप्शन की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं को कई सारे हक मिल जाएंगे, बहुविवाह पर रोक लगेगी, केवल एक शादी मान्य होगी और लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का भी सुझाव इसके अंदर है। अभी जो शादी की उम्र लड़कियों की है वो 18 साल है, लेकिन यूसीसी के आने के बाद ये 21 साल हो जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप का भी इसमें जिक्र है, इसमें डिक्लेरेशन जरूरी होगा और लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। मुस्लिम समुदाय में होने वाले हलाला और इद्दत पर भी इससे रोक लग जाएगी। तो ये ड्राफ्ट को मंजूरी मिल चुकी है और बिल के रूप में अब इसे पटल पर पेश किया जाएगा विधानसभा में कुछ ही देर में, और उसके बाद यहाँ पर चर्चा होगी। और अगर ये कानून की शक्ल लेता है तो हम बार बार यही आपको बता रहे हैं कि ये ऐतिहासिक क्यों है, क्योंकि उत्तराखंड देश में यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन सकता है। तो लगातार तस्वीरें भी विधानसभा से जो निकलकर सामने आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी मिलने के बाद इसे बिल के रूप में अब कुछ ही देर में यहाँ पर पेश किया जाएगा, जिसके बाद ये कानून की शक्ल लेगा। और बीजेपी के चुनावी वादे में यही था कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेंगे, जिसके बाद जब बीजेपी वहां दोबारा सत्ता में आती है तो फिर इस पर कमेटी का गठन किया गया और फिर यहाँ पर ड्राफ्ट तैयार किया गया। ड्राफ्ट के तैयार होने के बाद इसे पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की मंजूरी जब मिल गई तब इसे विधानसभा में अब रखा जाएगा। कुछ ही देर में यहाँ विधानसभा में इसे पेश किया जाएगा और मुस्लिम महिलाओं की प्रतिक्रिया भी इस पर आपको हमने सुनवाई। कई महिलाएं इस पर काफी खुश नजर आ रही हैं, वो कह रही हैं कि हमें पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का अवसर सीएम पुष्कर सिंह धामी देने जा रहे हैं। हालांकि कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, जल्दबाजी में पेश करने का आरोप जो है वो विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगा रही है, लेकिन बहुमत का जो आंकड़ा है, जो बिल पास कराने के लिए जरूरी है, वो बीजेपी के पास है। हालांकि हंगामा भी यहाँ पर हो रहा था, थोड़ी देर पहले तस्वीरें भी वो सामने आई थी। मैं तो भाषण दिया हो तुम भाषण का विषय नहीं है, ये कह रहा हूँ भाषण का विषय नहीं है। अब आप मैं भाषण दे रहा हूँ लेकिन क्या आज सवाल नहीं है, क्या प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए? प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए था क्या? गृहणी विधायकों की जो अधिकार है उसका अधिकारों का यहाँ पर उन्होंने अपने अधिकारों का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? उनका अधिकार है प्रश्न पूछने का। माननीय दीक्षा जी, सदन जो है कार्य संचालन, ये तस्वीरें हम उत्तराखंड विधानसभा से दिखा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ उत्तराखंड तक ये सीमित नहीं है, इसका असर देश पर होने वाला है, देश की राजनीति पर होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड वो पहला प्रदेश बनने जा रहा है जिसने ये कदम उठाया यूसीसी को लेकर। भले मैनिफेस्टो में इसको जगह मिली थी, लेकिन फिर भी ऐसी शंकाएं थी कि शायद ये सरकार कदम उठाए या ना उठाए, लेकिन एन चुनावी माहौल में, जब 2024 के चुनावी माहौल में पूरा देश है, विपक्षी पार्टियों का तेवर भी उसी तरीके से और केंद्र सरकार का भी उसी तरीके से, ऐसे में इसको आप रिस्क के तौर पे भी ले सकते हैं। लेकिन ये कानून की शक्ल लेगा कब? पहले तो इसे राज्यपाल के पास जाना है, ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि यूसीसी पूरे देश से जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि केंद्र सरकार भी इसको लाने की तैयारी में है, ऐसी चर्चाएं चलती रही है वक्त वक्त में, तो वो राष्ट्रपति को भी भेज सकते हैं, उसके बाद गृह मंत्रालय का भी हस्तक्षेप हो सकता है। इस तरीके की बातें अभी चल रही है, लेकिन ये सब कुछ तब होगा, ये सूरत तब बनेगी जब वहां पे ड्राफ्ट लाया जाएगा और जब ये पता चलेगा कि इस ड्राफ्ट में है क्या क्या जो सदन में भी पेश किया जाना है, उसमें कौन कौन सी बड़ी बातें। अभी तक सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जो ट्राइबल है उन्हें दूर रखा गया है, क्योंकि कई राज्यों में हमने देखा है ट्राइबल को लेकर राज्य सरकारें भी फैसला नहीं ले सकती है, जो केंद्र सरकार की तरफ से या जो संविधान निहित है उसके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। तो अभी इस मामले में ये भी कहा गया है कि जो ट्राइबल के जमीन से जुड़े हुए मसले होते हैं उनका एक अपना विशेषाधिकार है जिसमें हस्तक्षेप बहुत बार नहीं किया जाता है, तो इसको यहाँ भी निभाने की कोशिश की गई है। मुस्लिमों की बात हम इस वक्त करते हैं,
यूसीसी वो है जिससे अगर राज्य स्तर पे है तो सिर्फ राज्य का मसला है कि वहां पे सबके लिए जो भी जाति धर्म के लोग हैं सबके लिए एक कानून लागू हो जाएगा। हालांकि अभी भी जनजातियों को लेकर थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है, इंतजार करना होगा। लेकिन अगर देश के स्तर पे होता है तो एक देश एक कानून बन जाएगा। तो आप अभी उत्तराखंड से जो ये तस्वीरें आ रही है आप उसको सियासी प्रयोग के तौर पे भी देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या रुख होता है, अन्य पार्टियों का किस स्टैंड होता है, ये सब आने वाले वक्त में। तो बिल्कुल ये ऐतिहासिक तस्वीरें हम आपको उत्तराखंड विधानसभा से दिखा रहे हैं जहां पर ये ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड का पेश करेंगे पुष्कर सिंह धामी। कुछ देर का इंतजार और उसके बाद सामने आ पाएगा कि इस ड्राफ्ट में है क्या। लेकिन एक बात तो है कि जो कानून के जानकार लंबे समय से कहते रहे हैं कि सिविल कानूनों में बदलाव होना चाहिए और उस दिशा में एक बड़ा कदम है। इस बीच जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस वो ये कह रही है कि ये तो सिर्फ एक राज्य में हो रहा है, सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड तो पूरे देश में एक समान होना चाहिए। और क्या बातें हरीश रावत के द्वारा कही गई है ये पहले हम सुनते हैं। आज सरकार और मुख्यमंत्री इसको पारित करवाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और नियम परंपराएं संसदीय विधि विधान किसी का भी पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि कार्य मंत्रण समिति से कांग्रेस के दोनों सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा है। मगर यहाँ कहा जा रहा नहीं कुछ नहीं करना है, केवल ये ड्राफ्ट पेश होगा इसका पारण करना है। तो हरीश रावत कह रहे हैं कि हमें तो कुछ बताया ही नहीं गया है। आपको बताएं कि उत्तराखंड राज्य का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, 2000 में यह अस्तित्व में आता है और उत्तराखंड के इतिहास में कोई सरकार रिपीट नहीं होती है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने यह करिश्मा करके दिखाया और जब ये उन्होंने किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम ला रहे हैं जिसमें सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून होगा, खासकर महिलाओं को ज्यादा शक्तियां मिलेंगी, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो मुस्लिम बेटियां हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हर धर्मों में अलग अलग नियम होते हैं। लेकिन अभी सभी धर्मों के लिए एक होगा जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव है। ड्राफ्ट 4 वॉल्यूम में है। ये ऐतिहासिक तस्वीरें इस वक्त उत्तराखंड विधानसभा से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रारंभ किया, उन्होंने प्रारंभ करने के बाद आपने समस्त विधायक साथियों को पत्र लिखा, कहा कि अगर कार्य स्थगन को सूचना है तो आज 6 फरवरी को जो है सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक जो है क्या नाम विधानसभा सचिवालय में देने का काम करें। जब सूचनाएं देने की बात आपने कही तो सत्र जो है विद्युत होना चाहिए और विद्युत सत्र इसलिए होना चाहिए कि इसमें प्रश्नकाल भी होना चाहिए, इसमें कार्य स्थगन पर चर्चा भी होनी चाहिए, यूसीसी का ड्राफ्ट भी सदन के पटल पर आना चाहिए। तो उत्तराखंड विधानसभा लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज एक ऐतिहासिक दिन न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि पूरे देश की नजर है आज इस बिल पर, यूसीसी बिल जिसे पेश किया जाएगा थोड़ी ही देर में, इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। और उत्तराखंड विधानसभा में अगर ये बिल पास हो जाता है, कानून की शक्ल ये ले लेता है, तो देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन जाएगा जहां यूसीसी लागू होगा। और इसके साथ ही क्या देश के बाकी राज्यों के लिए भी इसके दरवाजे खुल जाएंगे ये भी अहम होगा। तो यूसीसी बिल में काफी कुछ है जिसकी चर्चा हो रही है।